हम सब नमस्कार। नमस्कार जी। कांग्रेस इलेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस की क्या रणनीतियां हैं आगे के लिए? रणनीति जो ये है कि हम लोग जो इलेक्शन जीतेंगे, तैयारियां पूरी हैं और कांग्रेस एकजुट होकर ये इलेक्शन लड़ेगी। किन मुद्दों पे आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं आगे? इलेक्शनों का मुद्दा है विकास। मेन मुद्दा जो है हरियाणा में जो आज पिछड़ गया है, महंगाई, रोजगार, ये सब जो है, इन मुद्दों पे जो है कांग्रेस अपना इलेक्शन लड़ेगी और मजबूती से अपना इलेक्शन लड़ेगी। हरियाणा में ऐसा होता है और अन्य राज्यों में ऐसा होता है कि नेता अपनी आवश्यकताओं में, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए जनता को धोखा देकर चले जाते हैं, रोज नई पार्टियां बदलते हैं। क्या जनता कहाँ जाए, वो किस पे विश्वास करे? देखो, कुलदीप बिश्नोई जी द्वारा ये जो है इलेक्शन थोपा गया है। कुलदीप बिश्नोई जी ने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण पहले अजका पार्टी बनाई, फिर उसका बीजेपी के साथ अलायंस किया। बीजेपी अलायंस के बाद ये फिर जो है बसपा के साथ गए, बसपा के साथ फिर ये कांग्रेस में आए और अब ये फिर दोबारा बीजेपी में चले गए। अब रोज़ वीडियो वायरल हो रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई जी ये बोल रहे हैं कि जी किसी पे विश्वास करना पर बीजेपी पे विश्वास मत करना। इनकी शब्द है कहाँ? इनके बेटे का वीडियो वायरल है जो कहते हैं कि इस सीएम खट्टर साहब से कोई बंदा सीएम नहीं है। कुलदीप बिश्नोई जी का कहने का यही है कि जो है मोदी पे कभी विश्वास मत करो। तो हम किस विश्वास किस पे करें? ऐसे कैंडिडेट को टिकट दी जाती है जो कैंडिडेट कुछ दिन पहले उसी व्यक्ति को, उसी पार्टी को इस विचारधारा से देखता है कि ये सबसे भ्रष्ट लोग हैं, ये काम नहीं करते, और आज उन्हीं की गोद में जाके बैठ जाते हैं। तो जनता का, जनता किस पे विश्वास करे और किस पे ये माने कि हमारा आने वाला एमएलए जो है, हमारा जो प्रतिनिधि करेगा, वो कौन हो सकता है? देखिए, भव्य बिश्नोई है, वो अभी देश से बाहर थे। इलेक्शन में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था एमपी का, उसके बाद वो देश से बाहर चले गए। किन कारणों के कारण वो छुपे हुए थे बाहर, सभी को पता है। अब वो एकदम उनके केस भी खत्म हो गए और वो आके यहाँ इलेक्शन, बीजेपी से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। ये इस लोगों को सब समझ में आया हुआ है और आम जनता समझ चुकी है कि इनको जो है ना पूरा इस बार जो है बाहर का रास्ता दिखाना है। आदमपुर की हलका के साथ जो कुलदीप बिश्नोई ने छल किया है वो शायद किसी हिंदुस्तान में किसी राजनेता ने किया हो। शिक्षा को लेकर अनिल मांझी आपका क्या कहना है? जहां ताले लगते हैं बात करते हैं पूरी बात, रानी मोहब्बत स्कूल, फिर ताले लगने के बाद दोबारा स्कूल बोले जाते हैं, तो कैसे समझेंगे? देखिए, शिक्षा शिक्षा नहीं, किसानों के साथ भी पहले, मैं शिक्षा के विषय पर भी आऊंगा, किसानों के साथ जो पहले इन्होंने सिर्फ कुलदीप बिश्नोई को ज्वाइन कराने के लिए किसानों को धरने पे बाल समुद्र बिठा के रखा 70 दिन, सिर्फ यही इंतजार करते रहे कि मुआवजा तो देना ही था इन्हों को, क्योंकि उनका जायज अधिकार था। उसके लिए इन्होंने 70 दिन जो है धरने पे बिठा के रखा कि कुलदीप बिश्नोई को ज्वाइन कराएंगे। और शिक्षा के मुद्दे पे भी यही किया, इन्होंने 4 स्कूल बंद करे, हरियाणा में 1000 स्कूल बंद कर दिए, आज ये फिर 4 स्कूल दोबारा खोल दिए। ये तो इसका मतलब जो है अपनी मनमर्जी जैसे जो बीजेपी कर रही है। और बीजेपी जो सरकार है ये 4 स्कूल खोल के 14 बंद करेगी, इनकी नीति है। ये शिक्षा जो है आम जनता, जो गरीब, जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल्स में जो पढ़ते हैं उनसे शिक्षा छीनना चाहते हैं। बीजेपी की नीति है कि शिक्षा जो कोई है आम आदमी शिक्षा प्राप्त ना कर सके, वो गरीब है उसको और गरीब करेंगे, अमीर को और अमीर करेंगे, ये इनकी नीति है। और शिक्षा नीति की अगर बात करेंगे तो किसी के लिए पहली बात तो ये है कि कोई शिक्षा ही खत्म कर दे, कोई रोजगार मांगे ही ना, ये इनकी बीजेपी की नीति है। और आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का है, क्योंकि उन्होंने ही विकास किया हरियाणा में, जो सही में जो विकास हुआ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के 10 साल के कार्यकाल में विकास हुआ। आदमपुर की जनता से क्या अपील है मान साहब? मेरी आदमपुर की जनता से ये अपील है अपने विवेक से, सोच समझ से विचार करके अपना वोट का जो है ना प्रयोग करें। जो ये अपनी महत्वाकांक्षा के कारण जो रोज पार्टी बदलता है, रोज नए नए खेल करता है, और जो वर्कर जो उनके साथ लगे हुए थे और आज उनके बच्चे भी ओवरेज हो गए, कुलदीप बिश्नोई के साथ जो लगे हुए थे इतने सालों से, जो जो भजनलाल जी के साथ लगे हुए थे उनके साथ इसने छल किया है, उसका जवाब देने का सही समय है। तो आप सभी मिलकर सही इसको जवाब दें। धन्यवाद। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेल ट्रेंडिंग.com पर।
विजिट सेल ट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।